से मैं अता करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आप सबको, सब बहन भाइयों को जो दूरों नज़दीक से खुदा के घर में आए हैं, यकीनन खुदा के घर में आने में कोई घाटा नहीं है, बरकत पर बरकत ही हमें मिलती है। हो सकता है कि रास्ते में रुकावटें हों, परेशानियों का मुकाबला करके आए हैं। जितनी ज़्यादा आप परेशानियों से गुजर कर आए हैं, उतनी ही ज़्यादा खुदावंद खुदा आपको बरकत देगा। मैं आप सबको जितने आए हैं आज की इबादत में वेलकम करता हूं, और इस वक्त हमारी दो कांग्रीगेशन है, दो जमातें हैं। एक यहां जो मौजूद है, एक वो जो हमें यहां मौजूद नहीं लेकिन सुन रहे हैं, फेसबुक पर ऑनलाइन देख रहे हैं। हम उस जमात को भी वेलकम करते हैं, और मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा अपने वादे के मुताबिक ज़रूर हमें बरकत देगा। लिखा है कि खुदा अपने तालबों को बदला देता है, खुदा के पास आने वालों को वो खुदा उनसे खुश होता है, उनको बरकत देता है। तो लिहाजा आज जैसे कि हम लैंड डेज में से गुजर रहे हैं, और चंद दिनों के बाद हम गुड फ्राइडे के मैसेजेस सुनेंगे, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ एक कलमा शेयर करूं, थोड़ी सी हम याद करें गुड फ्राइडे के हवाले से। और मैं देख रहा हूं कि खुदावंद खुदा आज हमें बड़ी बरकत देने वाले हैं। डू यू बिलीव दैट? क्या आपका ईमान है कि खुदा यहां पर मौजूद है? अगर आपका ईमान है कि खुदा मौजूद है, जैसे मैंने पहले कहा, जो खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो क्या है, मौजूद है। खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, और अपने तालबों को बदला देता है। मुझे मालूम नहीं कि आप किस प्रॉब्लम में आए हैं, आपकी जो भी बीमारी है, आपका जो भी मसला है, हम बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद के पास आए हैं, जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। किन से कह रहा है? मुझसे और आपसे, जितने बैठे हुए हैं, एक एक से खुदा कलाम कर रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्या कहता हूँ भाई? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, जो मौजे मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ, वो भी करेगा, बल्कि उनसे भी बड़े बड़े करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा बड़े बड़े काम करेगा, मेरा यीशु बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र हो। और मुझे पाक रू मेरे अंदर ये बात बड़े जोश के साथ डाल रहा है कि यहाँ से आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया, जो भी आपकी मुराद है, जैसे खुदावन ने एलिया ने हन्ना से कहा, खुदावन ने तेरी मुराद को सुन लिया है और तू खाली हाथ नहीं जाएगी। इस तरह खुदावन ने हम सब की मुराद को सुन लिया है, और खुदावंद खुदा यहाँ पर मौजूद है। तो आज हम दूसरे कलमे पर बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम कलाम को पढ़ने की भी बरकत हासिल करें। अगर
कलाम आप लोगों के हाथ में है, नहीं तो पढ़, जो पढ़ने के शौकीन है पीछे बाइबलें पढ़े हैं, पढ़ी हुई हैं, आप वहाँ से ले लें और फिर वापस वहाँ रख दें। लूका 23 बाब और उसकी 32 आयत, और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल करें, यानी यीशु मसीह के साथ दो डाकुओं को भी और साथ लेकर जा रहे हैं, ये याद रहे। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी को हम गुलगुता भी कहते हैं और इसी से लतीनी लफ्ज़ कैलवरिया निकला है, और कैलवरिया से कलवरी जो है लफ्ज़ लिया गया है, तो ये याद आप अपने ज़हन में रखें। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया, बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, दुआया रूह में खो जाएं। जितनी हम बोझ के साथ दुआ करेंगे उतनी ज़्यादा हमें बरकत मिलेगी। हमारी ब्लेसिंग का तअल्लुक जो है हमारी दुआ के साथ है, हमारी ब्लेसिंग का तअल्लुक किसके साथ है, हमारी दुआ के साथ है। आप बोझ के साथ दुआ करें कि खुदावंद खुदा तू आज के कलाम के लिए मुझे तैयार कर, मेरी रहबरी और रहनुमाई कर। हालेलुया, प्रेज जीसस। अय खुदावंद खुदा, मेरे दिल के ख्याल और मेरे दिल के सोच, मेरे मुंह की बातें तेरे हजूर मकबूल ठहरें, ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। अभी भाई अल्बर्ट ने पूछा कि कितने लोग कलाम सुनना चाहते हैं, सब ने हाथ उठाया। तो कलाम उन्हीं को बरकत देता है जो बरकत पाना चाहते हैं, तो तवज्जो से हम खुदा के कलाम को सुनें। जब हम तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदावंद खुदा हमें बरकत देता है। अब हम ये देखते हैं कि सलीब पर कितने डाकू खुदावंद यीशु मसीह को लान तान कर रहे थे। ये दो डाकू हैं, दाएं कौन था और बाएं कौन था, राइट साइड पे कौन था, लेफ्ट साइड पे कौन था, इन दोनों डाकुओं के नाम क्या थे, इन दोनों में से इनका सरगना कौन सा था, दूसरा कैसे इस ग्रुप में शामिल हुआ। तो ये बहुत सारी मालूमाती बातें हैं जो मैं और आप सीखने को जा रहे हैं। ये कलमा अदद के लिहाज से कौन सा नंबर है, दो। दो का अदद क्या है, गवाही का अदद है। खुदावन ने लोगों को, अपने शिगिर्दों को दो दो करके जिन जिन शहरों में जाना था उन शहरों में दो दो करके अपने से पहले भेजा। क्यों भेजा पहले, ताकि वो ग्राउंड को प्रिपेयर करें, ज़मीन को तैयार करें। तो वहाँ पर उनके बाद खुदा यीशु मसीह गया, और उस तरफ हम नहीं जा रहे क्योंकि हम कलमे की तरफ रहेंगे। तो दो का लफ्ज़ दिया गवाही का दर्द, और दूसरा कलमा जो है ये कलमा नजात कहलाता है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि गुनहगार इंसानों को गुनाहों से छुड़ा कर ज़ाते इलाही में शरीक करने के लिए वो इस दुनिया में आया।
अगर तो उसके बेशुमार मकासद थे, लेकिन मेन मकसद कफारे का मेरी और आपकी नजात है। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 11, मत्ती 18 बाब 11 आयत में क्या लिखा है? इब्ने आदम खोयबों को ढूंढने और नजात देने को आया, यानी वो नजात देने के लिए मुझे और आपको आया। दूसरा कलमा ही है नजात का है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये दो डाकू जो हैं, आगे इसका बयान हम पढ़ते हैं, साथ साथ हम पढ़ते जाते हैं, और खुदावन ने 34 वर्ष में कहा, यीशु ने कहा, आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसमें तीन नुक्ते पिन्हा हैं जो आज हम सीखेंगे। यीशु क्या कह रहा है? आए बाप इनको मुआफ कर। मेरे साथ रहे, थोड़ा बहुत बोले ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ हैं। यीशु ने क्या कहा? आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो खींचना चाहता हूं। क्या यीशु को पता नहीं था कि इन्होंने सारी रात मुझे अदालतों में घसीटा है? क्या यीशु को पता नहीं कि गेतसमनी बाग में उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिरा? कि मेडिकल टर्म में, जो मेडिकल के लोग हैं वो शायद समझे मेरी बात को जो मैं कहने लगा हूं, ये हालत जब खून और पसीना एक हो जाते हैं, ये हालत उस वक़्त होती है जब इंसान है ही इमोशनल स्ट्रेस में होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, मौत को करीब से करीब तर देखता है। तो होता यूं है, जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में होता है तो ब्लड वेसल जो कि पसीना बनाती हैं, और सॉरी स्वेट ग्लैंड जो कि पसीना बनाती हैं, ब्लड वेसल जो हैं वो ब्लड लेके जाती हैं, और ये दोनों ही सिंगल कैपिलरी, इनकी लेयर जो है जैसे ईंट होती है, एक ईंट इधर रखी है, एक इधर रखी है, बाज़ के तो डबल सेल होते हैं, लेकिन ये सिंगल सेल की है। तो यहाँ एक सेल ख़त्म होता है, दूसरा सेल शुरू होता है, तो उसके बीच में हल्की सी स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं परमीएबल एबिलिटी। यानी उसमें से जब प्रेशर के साथ पसीना आएगा तो वो जो पोर्स हैं जो मैंने बताया, एक सेल और दूसरा सेल जहाँ मिलता है, तो बीच में हल्की सी स्पेस बन जाती है, क्योंकि ये सिंगल सेल की जो है लाइनिंग होती है, तो उसमें से पानी बह निकलता है। और इसी तरह से ब्लड वेसल में भी सिंगल सेल लेयर होती है, उसमें से जब तेज़ी के साथ ब्लड बहता है, फ्लो करता है, तो उसमें से पानी ब्लड बह निकलता है। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हीमाट्राइडोसिस। क्या कहते हैं? मुश्किल लफ्ज़ है, हीमाट्राइडोसिस। जो मेडिकल के लोग हैं शायद वो समझ रहे हों मेरी बात को, और जिन्हें है दुख की हालत में, और क्या खुदा को पता नहीं था कि मुझे रात को जब आके इन्होंने 1 बजे बागे गेतसमनी से पकड़वाया, खुदा उनके लिए दुआ कर रहा है इनको मुआफ कर, खुदा उनको पता नहीं इन्होंने कोड़े मुझे मारे। और रोमी कोड़ा जो है वो जैसे जानवर की नसें होती हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गोश्त जो है बड़ी रान जो होती है 2-2.5 मन की, वो रान के ऊपर लटकी होती है, इतनी रान मजबूत होती है। उस रान को जो सुखा कर उसके कोड़े बनाए जाते थे, और औरत की चुटिया की तरह उनको बुना जाता था, और उसके ऊपर जो है कांच, हड्डियों का बरादा,
और लोहा लोहे के जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जर्रे उनको उसके ऊपर जो है लगाया जाता था, तो जब वो कोड़ा मसलूब के जिस्म पर बरसता था तो साथ ही जिंदा गोश्त को भी वो खींच के ले आता था। तो क्या खुदामंद को पता नहीं था कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या हशर मेरा क्या क्या किया है? क्या यीशु को पता नहीं कि इन्होंने मेरे मुबारक मुंह पर थूका था? अरे बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं है। तो मैं ये सवाल आप लोगों के साथ रख रहा हूं कि क्या खुदावन यीशु मसीह को गिनते चले जाएं? बेशुमार और बातें हैं, मैं अगर यही लगूं तो इसी पॉइंट पे रहूं तो इसी में आधा घंटा खत्म हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि खुदा को क्या इल्म नहीं था कि ये सारा कुछ इन्होंने मेरे साथ किया है? आए बाप इनको मुआफ कर। मैंने बताया कि इसके अंदर जो है तीन बातें हैं। कौन सी तीन बातें हैं? मैं आज का जो व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भेजा ये भी यही भेजता था, जो मेरे साथ ऐड हैं अगर आपने सुना हो, क्योंकि हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं होता, हम इतने बिजी होते हैं, दूसरे तीसरे कामों में बिजी होते हैं, कलाम सुनने के लिए हमें मौका नहीं मिलता। तो मैं कम से कम काफ़ी लोगों को सुबह जो तैयारी करता हूँ, फिर मैसेज बनाता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ और फिर सेंड करता हूँ, जो मेरे साथ एडेड हैं। तो उसके बाद जो है पहली बात क्या है, किसको याद हो गया यह कलमा ज़बानी? आए बाप, यानी ये बाप क्या खिताब है, इनको मुआफ़ कर। ये क्या है? दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त है। आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये आगे दलील है, यानी वो वकील जो है मुकदमा भी खुद ही बना रहा है और मुकदमा भी खुद ही जिनके लिए बना रहा है उनके लिए मुकदमा भी खुद ही लड़ रहा है। ऐसा मैंने तो कम से कम कभी कोई ऐसा वकील नहीं देखा कि जो मुकदमा भी खुद बनाए और मुकदमे को जो है शेल्टर भी खुद ही करे। आप लोगों ने सुना कभी ऐसा? हालेलुया, हमने एक का नाम सुना है, उसका नाम क्या है? जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, हालेलुया, प्रेज जीसस। आए बाप, उसने कहा, यानी बाप और बेटे का रिश्ता है, इनको मुआफ कर, दरख्वास्त है, अपील है, इनको मुआफ कर दे। क्योंकि आगे रीजन दी जा रही है, जानते नहीं, जिसका मैंने लंबा चौड़ा आगे पहले बयान किया, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इन वर्डिंग में इस कलमे के अंदर आप लोग आने वाले दिनों में अपने अपने चर्चेज में कलाम सुनेंगे और फिर मुवाजना करना, जो आज आपने कलाम सुना है और जो आपने अपने चर्च में सुना है, क्या कोई फर्क है या नहीं इस कलमे के अंदर। तो इस कलमे के अंदर मकाशवा पाया जाता है। मकाशवा वो होता है जो चीज बंद होती है और जो राज होता है, जो सीक्रेट होता है। सीक्रेट क्या था भाई? अगर खुदावंद यीशु मसीह साहब मेरे साथ हैं, अगर खुदावंद यीशु मसीह उस दिन यहूदी कौम को मुआफ ना करते, क्या कहा मैंने, बोले ना करते, तो फिर क्या होता भाई? उन वादों का क्या बनता जो इब्राहिम से, बाप इब्राहिम से वादे किए थे कि मैं तेरी नस्ल को जो है सितारों की मानद बनाऊंगा, अपनी मुट्ठी को रेत में ले गिन सकता तो गिन, तेरी रात को ऐसे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। ये सारे ये जो वादे हैं पदाश 12वें बाब में इसका जिक्र आपको मिलेगा। मैं इसलिए हवाले नहीं पढ़ाता ताकि टाइम की बचत हो जाए, मैं जबानी बोल देता हूं,
लेकिन आप लोग कंफर्म करना चाहें जो वाला मैं बोलता हूं कि क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा, तो आप जरूर अगर बाइबल होती है तो देखा करें और तवज्जो से सुने। जो अगर खुदावंद यीशु मसीह उस दिन माफ ना करते तो उन वादों का क्या होता जो बाप इब्राहिम के साथ किए गए? अगर खुदावंद यीशु मसीह उस दिन माफ ना करता तो हजरत यकूब के साथ जो वादे किए गए उनका क्या बनता? अगर खुदावंद उस दिन यहूदी कौम को माफ ना करते तो हजरत यकूब के साथ जो वादे किए गए हैं उनका क्या बनता? जो नबियों पैगंबरों के साथ वादे किए गए उनका क्या बनता? खुदामंद खुदा ने जब भी बड़ी मुसीबत उन पर आई खुदामंद खुदा उनके साथ खड़ा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने उनको छोड़ा नहीं, छोड़ा भी उनको, स्लीपर पर छोड़ भी दिया, वैसे भी जब वो गुनाह करते थे तर्क कर देता था, लेकिन खुदा अपने वादे के लिए जो उसने बाप इब्राहिम हजरत दाऊद के साथ किए थे कि उसकी खातर मैं तुम पर रहम करूँगा, तो लिहाजा खुदा ने इसलिए माफ़ कर दिया कि मैं जो वादे किए हैं फिर उन वादों का क्या बनेगा? खुदा ने किन किन को माफ किया? खुदा ने हेरोदीस बादशाह को माफ किया। खुदामंद खुदा ने किस को माफ किया, किन किन को माफ किया? खुदामंद ने गवर्नर पिलातूस को माफ किया। खुदामंद खुदा ने कहनों और फकीयों को माफ किया। खुदामंद खुदा ने जिन्होंने कोड़े मारे थे उनको माफ़ किया। जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, उनके मुबारक चेहरे पर थूका और थू की रगारियाँ बन गई और इतना थूका कि उसके मुंह से थूक बहने लगा, मेरे और आपके लिए कभी हमने सोचा ही नहीं है अपने नजात दहिंदा के बारे में। खुदा ने उनको माफ़ किया। खुदामंद खुदा ने उनको माफ़ किया जिन्होंने कोड़े मारे। एक तो मैंने कोड़े की डेफिनेशन बताई, कुछ इजाफी काम भी किया गया, यानी जो मछलियां पकड़ने वाली कुंडियां होती हैं आप जानते हैं कि उससे ऐसी होती है उसके साथ गला जो है वो अटक जाता है और वो उनका बहुत सारी जो है मछलियां पकड़ने वाली कुंडियां लेके गुच्छा बनाया। जब यीशु सारी रात तो बागे गसमनी के अंदर हम देखते हैं कि पसीना खून की बूंदे बन बन गिर गया, खून पानी बह निकला, डिहाइड्रेशन के पहले वो शिकार हो चुके थे और वो भारी स्लीप जिसका वजन 55 केजी के करीब था वो उसको उठाया, उठा के कलवरी के मकाम की तरफ जा रहे, जब गिरते तो वो कुंडियां जो कि मछलियां पकड़ने वाली कुंडियों का गुच्छा होता है वो पकड़कर जोर के साथ मारते और फिर उसको खींचते और इस तरीके के साथ जो है यीशु का मुबारक बदन जो है बूटियां बन बनकर हवा में लहराने लगा। जब खुदा यीशु मसीह हैदराबाद का यह वाक्या मैंने सुना, क्वाडस फिल्म एक थी शायद किसी को याद है या नहीं याद, और मसीह के सलीबी दुखों को दिखाया जा रहा था, वो फिल्म इसके बारे बनी। जब मसीह को मारा जा रहा था उस बच्ची ने पूरा हाल जो है स्टेडियम जो है पूरा सर पे ठा लिया, मेरे यीशु को मारा, बंद करो मेरे यीशु को मारे हैं। ये है दुख, दुख तकलीफ के मेरे लिए ये दुख। यीशु बेगुनाह था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो मेरे और आपके लिए उसने सारे दुख जो है वो उठाए। तो यहाँ पर मैंने अभी दो आयतें आप लोगों के सामने रखी हैं और उसके कपड़े हिस्से किए और उन पर कुरा डाला, कपड़े उतारे और उन पर कुरा डाला। इन कपड़ों का भी बड़ी हिस्ट्री है कि इन कपड़ों के वसीला से जो बिन सिला हुआ था तो को फाड़ा नहीं गया था, जो हिस्सा जिसके हिस्से में आया उसको मिल गया और ये कपड़े भी जहाँ गए वहाँ पर मोजे होते गए। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। आज भी ये कलाम कहता है कि अगर आप इमाल 19 बार पढ़े उसकी 11वीं आयत है कि लोग अपने कपड़े जो हैं और रमाल जो है ऐसे पकड़ कर पालूस रसूल के जिस्म के साथ छुवा के ले जाते, बीमारों पर डालते, तो वो बीमार क्या हो जाते?
शिफा पा जाते। व्हाट इज दैट? दैट इज द अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग, व्हाट इज अनॉइंटिंग? अनॉइंटिंग इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये पाक रूह का मसा है। तो इस वो जब वो छूते पारूस रसूल को, तो पारूस के बदन का मसा जो है उसके रुमाल के अंदर चला जाता, और वो रुमाल पर जाके बीमारों पे डालते तो वो बीमार शिफा पा जाते। तो यीशु के रुमाल का क्या बना होगा जो उसके सर पे था, जो उसके कपड़ों का था, जब वो का कपड़े डाले गए तो उनसे क्या क्या कुछ नहीं हुआ होगा? कभी हमने ऐसा सुना नहीं है। लेकिन मैं जो है खोजी हूँ कलाम का, मैं कलाम को जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनके पीछे जाता हूँ, खींचता हूँ और उन पर गौर खोज करता हूँ। कपड़े तार कर उन पर जो बड़ा उसके ऊपर कुरा डाला गया, और जो हिस्सा जिसके हिस्से में आया मिल गया, और उसके वसीला से बड़ी लंबी स्टोरी है ये भी एक लग कपड़ों की। तो अब इसका एक और मैं हवाला या एविडेंस देने लगा हूँ। एलिया के साथ उसका जो नौकर था या दोस्त था जो उसके साथ काम करता था, उसका नाम क्या था? एलिया के साथ जो काम करता था, एलीशा। तो जब वो उसे जुदा हो गया आंखों के सामने, तो वो चादर जो एलीशा की थी गिर गई, उसने उसी को पकड़ के अपने गले लगा लिया कि यही मेरा सब कुछ खजाना, मेरा बैंक बैलेंस है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि एलिया का खुदा कहाँ है? और उस चादर को लेकर उसने पानी पर मारा और दरियाए यरदन लग लग हो गया। ये है मसा शुदा आदमियों के कपड़ों की अनॉइंटिंग। अगर मैं जाके यीशु की पेशाब को छू लूंगी तो मैं शफा पा जाऊंगी। तो मैं ये साबित कर रहा हूं इस बात को कि कपड़े जो तकसीम किए गए, आपस में बांटे गए, उसकी तशरीह में हल्की फुल्की कर रहा हूं, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा। तो बैठे हुए मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है कि हमारे अंदर इतनी अनॉइंटिंग हो कि अगर कोई हमारे साथ टकरा भी जाए तो चाहे वो लंगड़ा हो तो वो फौरन फेल फौर ठीक हो जाए, हैं, अपने पैरों पर चलना शुरू हो जाए। अगर वो बहरा है उसके कान खुल जाएं, अगर उसकी गिल्टियां हैं तो उसकी गिल्टियां खत्म हो जाएं। हमारी बॉडी के अंदर इतनी अनॉइंटिंग हो, इतना मसा हो, इतनी पावर हो, इतनी कुदरत हो, हम खुदा के मसा से भरे हुए हों, जहां जाएं खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जाहो परे की थर्टी फाइव वर्स, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्टे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया, ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक से यूं ताना देकर कहने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़कर कहा, जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार हैं, हमारी सजा तो वाजबी है क्योंकि अपने गुनाहों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। ये मैंने 41 तक पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को प्रवोक किया जा रहा है कि निजात का काम अधूरा रह जाए। कैसे पता चलता है? यानी फकीर और फरीसी भी कह रहे हैं, रोमी भी कह रहे हैं, सरदार कहन भी कह रहे हैं, और अवाम भी कह रही है कि अगर तू खुदा का बेटा है, अभी तू उतरा तो तू कर सकता है, तेरे बस में है,
हाँ वाकई यीशु उतरना चाहते तो उतर सकते थे, लेकिन वो उतर नहीं उतरना चाहते थे, वो चढ़े ही मेरे और आपके लिए थे। उसने जकई से कहा, जकई तू गुलर के दरख्त पर चढ़ गया है, तू नीचे आ, चंद दिनों के बाद मैं तेरी खातिर ऊपर चढ़ूंगा। याद है वाक्या किसी को? ऐसे कही तू गुलर के दरख्त पर चढ़ गया है मुझे देखने के लिए, और जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी तरफ क्या करूंगा, खींचूंगा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ उसकी तमजीद हो। ये आखिरी हमला था अबलीस, क्योंकि अबलीस जानता था कि ये नजात दिंदा दुनिया को बचाने के लिए आया, और वो नजात के मंसूबे को फेल करना चाहता था। जो बागे अदन से पहले अगर पैदाइश पहला बाब पढ़े, लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में कलाम किया, इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को क्या किया, बनाया। इब्तिदा से पहले का ज़माना कि बहुत कम लोग हैं जो इससे पहले का ज़माना जिसको जानते हैं कि इब्तिदा से पहले का ज़माना क्या था। इब्तिदा से पहले का ज़माना ज़माना मशवरत कहलाता है। ज़माना मशवरत क्या, जिसमें बाप बेटे रूह कुदस ने मिलकर बैठकर बनी नौ इंसान के गुनाहों के कफारे का और नजात का मंसूबा बनाया था। ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना याद रखें आप, अगर आप सवाल करना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे जी कि ये काफिर कहाँ से सीखा, कैसे पता, हमें याद हमें बताएं, हमें यकीन दिलाएं कि जो आप बात कर रहे हैं ज़माना मशवरत की और जिसमें बाप बेटे रूल कुदस ने बैठ के मंसूबा बनाया नजात का। अगर आप मकाशवा 13 बाप उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा, किसी को याद है? बर्रा बनाए आलम से पेशतर से ज़बा किया गया। अब बना कुछ नहीं है, ये है ज़माना जब बाप बेटे रूल कुदस ने बैठ के नजात का मंसूबा बनाया। तो इसको बना, अगर ये गिर जाएगा तो मैं इसका क्या दूंगा, कफारा दूंगा। बेटे ने बयान दिया, बरा बनाए आलम से पेशतर ही ज़बा हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल लेके बैठा करें ताकि आप लोग साथ साथ देखते भी रहें। और इसके बाद रूल कुदस ने पहला पत्रस पहला बाब उसके दूसरे हाथ में, तू इस इंसान को बना, अगर ये गिर जाएगा मैं इसकी तकदीस करूँगी, सैंक्टिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तीन लफ्ज हैं, जस्टिफिकेशन गुनाहों की माफ़ी जिसको हम तस्दीक कहते हैं, और दूसरा लफ्ज है सैंक्टिफिकेशन तकदीस, तस्दीक तकदीस, और तीसरा लफ्ज है ग्लोरीफिकेशन जलाल। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू बना, अगर ये गिर जाएगा तो मैं इसका कफारा दूंगा। मैंने हवाला दे दिया, अगर कोई आपसे पूछे कि ज़माना मशरत में ये जो प्लानिंग आप बता रहे हैं इसका हमें कोई इसका कोई जवाब तो हमें दें, इसका कोई हवाला तो हमें दें। और यहाँ पर पहला, जब क्योंकि अबलीस जानता था कि मसीह यीशु के आने का मकसद क्या है, तो वो उसको पैदा होते ही ख़त्म कर देना चाहता है। अगर मकाशवा 12 बाब में पढ़े तो वहाँ एक औरत है जो कि बच्चा जनने की दर्द में है, और जैसे वो जने उस बच्चे को निगल जाए खा जाए, और ये वही बात है। यहाँ पर भी यही जिक्र है कि वो उस बच्चे को निगल जाना चाहता था जिसको मकसा मरियम ने इस दुनिया में लाने का वसीला बनी। सबसे पहले जब वो दो सब पता चला, जब मजूसी उसके पास आए तो दो साल के बच्चों को कत्ल करवा देना चाहा, यीशु को भी उसमें कत्ल करवाना चाहता था, तो उस वक़्त भी वो बच गया। और आगे आप देखेंगे किस तरीके के साथ जो है, जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर है और लोग उसको बादशाह बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको पकड़ कर पहाड़ से गिराने की कोशिश की, तीसरी अटैम्प्ट उसको ख़त्म करने की, चौथी अटैम्प्ट यह सलीब पर की गई कि ये चौथी जो है बागे का सामने में ख़त्म करना चाहा, नंबर 5 ये है सलीब पर ख़त्म करना चाहा। तो नीचे जोश में आके खुदावंद को जोश दिला रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद जानता था कि मैं इसी मकसद के लिए आया हूँ। आगे दो डाकुओं का हमने जिक्र पढ़ा है,
फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए तो उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हम को बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हम तो हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार हैं, और हमारी सजा तो वाजबी है जिसकी हम सजा पा रहे हैं। तो अब मैंने पढ़ दिया है, सानी कर दी। कितने डाकू सलीब पर लान तान कर रहे हैं? जोर से बोले, दरमियाने वाली लाइन से, इस लाइन से, कितने डाकू लान तान कर रहे हैं? एक। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ ये वाला ज़रूर पढ़ना। मैं एक ही वाला दूँ, मैं ज़्यादा निकालता नहीं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, फिर तखीर भी हो जाती है, वाले पढ़ाने में, पढ़ने में, निकालने में टाइम लग जाता है। तो आप इस वाले को आप देखें मेरे साथ, मत्ती 27 बाप उसकी 44 आयत। किसके पास बाइबल है? मिल गया, सफ़ा 33 है, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स नंबर 44। इसी तरह डाकू भी, जमा का लफज है, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। अब बताइए भी कितने डाकू लान तान कर रहे हैं? तो वहां कितने डाकू लान तान कर रहे हैं? वेयर इज प्रॉब्लम? कौन सा बयान सही माने? हाँ जी, जमात में आप लोगों से बता सकते हैं कौन सा बयान सही है? अब हम ये देखते हैं कि वाकया ही दो डाकू सलीब पर लान तान कर रहे थे, लेकिन इस पहले कलमे और दूसरे कलमे के दरमियान, पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा है, ठीक है, पहले कलमे और दूसरे कलमे के दरमियान कुछ हुआ, कुछ अननेचुरल, गैर मामूली काम कुछ हुआ। वो क्या हुआ? जब यीशु ने कहा आए बाप इनको मुआफ कर, तीतस चौंक उठा। ये लफाज, इसको पता नहीं कि इसके साथ क्या हुआ, और ये आम इंसान नहीं है जो मुआफी दे रहा है, ये आम इंसान नहीं है। और उसके बाद जो है, जैसे ही तीतस ने यीशु को देखा, मेरे साथ रहिएगा, तीतस ने यीशु को देखा और यीशु ने तीतस को देखा, जब दोनों ने, दोनों की आंखें दो चार हुई, आपस में देखा, आंखों आंखों में अलायंस बनाई, तो उसमें मसा क्या, यीशु का मसा क्या हो गया? ओ हालेलुया, जोरदार तालियां, रब अल अजील बयल सो रबाही अल अजी हन शब कर हय अल अजील बना तो वला अल अजी हालेलुया। वो मसा यीशु मसीह में ट्रांसफर हो गया और उसका जीवन बदल गया, हालेलुया। जाते जाते भी एक डाकू को बचा गया। तू आज ही मेरे साथ फर्द हो, तू कल की बात कर रहा है, खुदा जब तू अपनी बादशाही में, तो मुझे भी याद करना, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, कहते मैं फ्यूचर का खुदा नहीं हूँ, मैं तो इसका माजी का खुदा नहीं हूँ, मैं हाल का खुदा हूँ। आप इस वक्त वट एवर प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, आपका जो भी मसला है, जो भी बीमारी है, आप महसूस करें कि यीशु यहाँ पर मौजूद है, और मौजूद यीशु मोजे करता है। वो कोई भी, यहाँ से मैंने पहले बताया कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, खुदा आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। महसूस करें, जो मैं कलाम सुना रहा हूँ, कलाम आप ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं ट्रैवलिंग की बहुत सारी बातें जो है, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग की बात की, जहाज़ की ट्रैवलिंग की बात मैंने नहीं की, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के वाले से मैंने बातें की हैं। तो लिहाजा वो डाकू क्या हो गया, उसने स्लीपर ईमान ले आया, वो फिर वहाँ पर मनादी करने लग गया, सारी उम्र डाके डालने वाला, जिसने औरतों को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया, लोगों को लूटा। अब आखिरी 6 घंटे का शिगिर सलीब पर यीशु के साथ रहने के बायस वो यीशु पर, उसके मनादी पर ईमान ले, सिर्फ एक ही कलमा उसने बोला।
आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। 6 घंटे का शिगिर्द खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर बच गया। हमें कितने साल हो गए शिगिर्द हुए भी, हमारी उम्रें गुजर गई हैं। मेरे दिन वो बदलाव, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं। हाँ एक बदलाव ज़रूर है कि हम फ्राइडे के फ्राइडे चर्च आते हैं, हालेलुया, लेकिन इससे आगे भी हमने बढ़ना है। पहले ढूंढो आसमान की बादशाही, दुनिया की सब चीज़ें मिल जाएंगी। यीशु के लिए दीवाने हो जाएं, जैसे ये डाकू सारी उम्र डाके डालता रहा। अब मैंने बताया था कि इन दोनों डाकुओं का नाम क्या है। एक डाकू का नाम दमाकूस है और दूसरे का नाम तीतस है। तीतस जो उस वक्त का सरदार काहन हन्ना का इकलौता बेटा था, एक इकलौती औलाद थी वो, इसके अलावा उसका कोई और बच्चा नहीं था। और उसकी दाया पर सिक मेरे साथ रही है, स्टोरी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। तो उन दोनों की आपस में लैग से लैग थी, किसकी, दमाकूस की और परसिका की। और जब पता चला सरदार कैन को, उसने कोड़े मारे, उसने अपने दिल में रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने का ठान लिया कि मैं इन दोनों को लेके भागूंगा और किसी ऐसी जगह ले जाऊंगा कि सरदार कैन को याद आ जाए, अगली पिछली सारी बातें याद आ जाएंगी। तो उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, और दमाकूस ने उसका नाम बदल कर तीतस रख दिया। उसका पहला नाम दाऊद था, याद रखे, पहला नाम उसका दाऊद था और उसका नाम जो चेंज करके तीतस रख दिया गया ताकि किसी को पता ही ना चले। और वो इन तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि उसमें खून सरदार कहन का था, लेकिन मजबूरन वो उसको मारता था, पीटता था और वो उसके साथ शरीक होता था। तो अब यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो खींचना चाहता हूँ, मेरा मज़मून थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जल्दी उसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं यहीं पर इसको वाइंड अप करूँगा कि शहर रोम के अंदर, कैसर के अंदर, यहूदियों की हैकल के ऊपर एक सुनहरी अकाब तक झंडा था, रोमी झंडा था, जिसके ऊपर जो उनका सुनहरी अकाब कुंदा किया हुआ था। तो वो समझते थे इससे हमारी हैकल क्या हो रही है, नापाक हो रही है। और ये ईद फसा के अयाम का वाक्या है। और उसके बाद जो है उसके साथ 500 आदमी मिल गए और यहूदी कैसर बादशाह समझने लगा कि ये हमारे खिलाफ, रोम के खिलाफ बगावत हो रही है। तो जब इसको पता चला जंगल में बियाबान में, किसको, दमाकूस को, दमाकूस 19 आदमियों का हेड था, इन्होंने आपस में मशवरा किया, वो अपने काम में लगे होंगे, बलवा हो रहा होगा और हैकल की तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा, हम खामोशी से हैकल की तरफ घुस जाएंगे, वहाँ से सुनहरी तलाई बर्तन जो है हैकल के वो चोरी करके ले आएंगे, एक दफा लंबा डाका मारते हैं और सारी उम्र राम से गुजारेंगे। लेकिन जो सोचते थे वो ऐसा ना हुआ, दमाकूस भी पकड़ा गया और तीतस भी पकड़ा गया और इसके साथ दूसरा बराबा भी पकड़ा गया। इन तीनों को जेल प्रिजन में कर दिया गया। ईद फसा पर एक को छोड़ दिया जाता था तो खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारी खातर किसको छोड़ दूं? तो पब्लिक ने, वाम ने किसको मांग लिया, बराबा को। बराबा छूट गया, बाकी कौन दो रह गए, तीतस और दमाकूस रह गया। दाएं कौन है, राइट लेफ्ट राइट साइड में कौन है, तीतस है, क्योंकि वो दाएं हाथ वालों को कहेगा अगर कोई पूछे भी आपको कैसे पता है, तो उसका जवाब ही मैं साथ दे रहा हूँ। मत्ती 25 बाब में लिखा है कि फिर वो बाएं हाथ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों,
उस मेराज को जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई उसको वर्से में हासिल करो। तो इसलिए इससे मैंने साबित किया कि जो राइट साइड पर बचने वाला डाकू है वो तीतस है और दूसरा जो है वो दमाकूस है। तो अब दूसरा कलमा मैंने बताया भूल ना जाए, ये कलमा नजात को जर ये कलमा नजात कहलाता है। ये डाकू जो बच गया, अब मैं जल्दी से एक दो सेकंड में इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, जो डाकू बच गया सब होश में आ जाएं। आखिरी बात है, अगर आप सुस्त हो रहे हैं तो बेदार हो जाएं। सुबह के वक़्त जो डाकू बच गया तीतस है वो हजूम के कब्ज़े में था, वो हजूम के कब्ज़े में था। शाम को जब वो बच गया, यानी सिपाहियों ने उसको घेरा हुआ था, हजूम ने घेरा हुआ था कि भाग ना जाए। आपने देखा सिपाहियों के साथ प्रिजनर्स के साथ ऐसा ही वाक़या होता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं शाम को क्या हुआ, सुबह वो सिपाहियों के कब्ज़े में है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। शाम को क्या वो डाकू, कोई हथकड़ी नहीं है। और सुबह को और शाम को जो है वो फरिश्तों के हजूम में है। सुबह को लोग कोई उसे खुश नहीं है, वो डाकू ही समझ रहे हैं। वो बच गया है स्लीपर, अभी भी उनको डाकू ही नजर आ रहा है, हालांकि वो जिंदगी पा के निजात याफ्ता हो गया है। शाम को जो है आसमान पर खुशियां मनाई जा रही हैं। लुका 15 बाब पढ़ के देखें, जब एक आदमी तोबा करता है तो आसमान पर उसके लिए क्या होती है, खुशी मनाई जाती है। हालेलुया, खुदाबंद का शुक्र और उसकी तारीफ उसकी तमजीद हो। सुबह को वो इस दुनिया का शहरी था, यानी रोमी हुकूमत का शहरी था, यहूदी था, लेकिन आसमान पर जाकर जब शाम को वो आलम बाला का शहरी बन गया। हालेलुया, आलम बाला की शरीयत मिल गई। शरीयत मिलना इतना आसान काम नहीं है, वो भी आसमान की शरीयत उसको मिल गई। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र उसकी तारीफ हो। सुबह को उसकी आंखों से हम देखते हैं कि आंखें उसकी नम हैं और चेहरे से पर उसके जो आंसू बह रहे हैं। शाम को क्या है, बर्रे ने खुद अपने हाथों से, हालेलुया प्रेज गॉड, जाओ बर्रे के, बर्रे ने खुद, काशवाई किस बाप उसकी 5 याद का वाला दे रहा हूँ, बर्रे ने खुद उसकी आंखों के आंसू क्या कर दिए, पोंछ डाले। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। मैंने सुबह और शाम के हवाले से, दोनों डाकुओं के हवाले से बताया ये डाकू कौन थे, कैसे बच गए, और ये 6 घंटे का शिगिर्द नजात पा गया। हमें मालूम नहीं कितने साल हो गए हैं यीशु के साथ चलते हुए, लेकिन हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, यही ख़त्म करना चाहता हूँ। और आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।